स्टरलाइजेशन का मतलब ऐसे ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम एनिमेट ऑब्जेक्ट्स मींस ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लिविंग बीइंग्स है, सपोज अपनी बॉडी में अगर कहीं इन्फेक्शन है, अपने को सूचर्स या लिगेचर्स या कोई भी इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट से, जैसे अपने को कट लग गया, अब वहां पर स्टिच कर रहे हैं, स्टिच करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उनको स्टरलाइज करना पड़ेगा। अपन जिस रूम में है जहां पर जो टेक्निक अपने को यूज हो रही है, स्टरलाइजेशन डायरेक्ट अपन से कॉन्टेक्ट रखते हैं, मीन्स अपने लिए जो भी टेक्निक यूज हो रही है उसको अपन स्टरलाइजेशन के अंदर मानेंगे। डिसइंफेक्टेंट का मतलब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है। अपन एक तरह के एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स मैमल्स की कैटेगरी में आता है, तो एनिमेट जो शब्द है वो मैमल से जुड़ा हुआ है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपन यूज करेंगे। सपोज एनिमेट एनिमल से मैमल्स जो चीज है वो समझना, जो स्टरलाइजेशन की टेक्निक है वो एनिमल्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज हो रही है। अपन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो अपने से रिलेटेड जो भी टेक्निक है वो सब स्टरलाइजेशन के अंदर आएगी। डिसइंफेक्टेंट की जब मैं बात करूंगा तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अब सपोज इस फ्लोर को साफ करना है तो मैं इस फ्लोर को साफ करने के लिए कौन सा यूज करते हैं घर में केमिकल? अपन फिनॉल यूज करते हैं, नॉर्मल सी चीज है। तो जो इनएनिमेट है इसमें लिविंग जान नहीं है, ये सब चीजों में रूम को साफ करना है, फ्लोर्स टाइल्स जहां पर इंफेक्शन हो गए उनको सब साफ करना है, गंदगी को हटाना है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी डिसइंफेक्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। डेटॉल, लाइजॉल और जो भी आपको ब्राइटेनॉल जो भी चीज आती है वो सब इस कैटेगरी में आती है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट्स में। स्टरलाइजेशन की बहुत सारी टेक्निक्स अभी अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जो अपन ने देखा था, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, डेफिनेशन देखो। Sterilization is making a substance free from microorganisms both in vegetative and sporing stage. अब ये दोनों चीज समझो। पहली लाइन क्या लिखी है? Substance free from all microorganisms. अब सपोज यहाँ पर घाव लगा है, स्टिच करना है, टांके लगाना है। टांके लगाने के लिए जो सूचर और जो सुई यूज की जाएगी, अगर वो स्टरलाइज नहीं होगी तो वो microorganisms बॉडी में चले जाएंगे। तो उस सूचर को, उस सुई को स्टरलाइज करने की टेक्निक स्टरलाइजेशन में आती है। इसमें ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, इंसिनरेशन, सारी टेक्निक्स जो है वो अपन डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज लिखी हुई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद, इन वेजिटेटिव एंड स्पोरिंग स्टेट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी जो बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो जीवाणु है, उनकी दो स्टेज होती है, वेजिटेटिव एंड स्पोरिंग स्टेज। इसमें से वेजिटेटिव स्पोर स्टेज जो होती है वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, स्पोरिंग स्टेज की करना डिफिकल्ट होता है। यानी जब सपोज ये वेजिटेटिव सेल है बैक्टीरिया का और ये स्पोरेटिव सेल है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन है, एक नया बैक्टीरिया जन्म लेने की कैपेसिटी होती है, इसको किल करना डिफिकल्ट होता है, इसको किल करना आसान होता है। तो ऐसे भी अपन टेक्निक्स देखेंगे कि दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दोनों स्टेज को कैसे किल करेंगे। अब डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन क्या है? द डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू इंफेक्शन। डिसइंफेक्शन डज नॉट अफेक्ट द स्पोर स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्पोरिंग स्टेज है उस पे काम करना इसके लिए डिफिकल्ट होता है, और ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल है। यहां लिखा नहीं है बट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सब्सटेंस जो इंफेक्शन को राइज करते हैं उनको किल करने। सपोज अगर कहीं हॉस्पिटल में किसी का ब्लड वगैरह ले रहे हैं, इंफेक्टेड ब्लड है और वो जमीन में गिर गया एक दो बूंद ब्लड, तो उसको साफ करने के लिए फिनॉल और डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाएगा फ्लोर को साफ करने के लिए, ताकि उससे कोई इंफेक्शन जनरेट ना हो। तीसरा जो टर्म है वो है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो बॉडी के अंदर इंफेक्शन को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज टू इंडिकेट द प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शन यूजुअली बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन वुंड्स एंड टिश्यूज। बॉडी के टॉपिकल पार्ट में जब अपन रुई से फिनॉल, इथेनॉल वगैरह कोई भी चीज साफ करके अपन क्रीम लगाते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशंस कोई चीज लगाते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक, टॉपिकल एंटीसेप्टिक के अंदर आता है। दिस इज डन बाय एंटीसेप्टिक्स, केमिकल्स और डिसइंफेक्टेंट्स व्हिच कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट इंफेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये डिसइंफेक्टेंट को यहां पर अप्लाइड ऑन द स्किन लिखा हुआ है बट मोस्टली वो एंटीसेप्टिक है। डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी फ्लोर और टाइल्स की होगी। तीन अपन आप लोगों की डेफिनेशन देख रहे हैं, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक।
स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स में वो सारे इक्विपमेंट्स या सारे एप्रेटस को स्टरलाइज किया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए, बॉडी में किसी भी डैमेज को रोकने के लिए यूज, अगर कैंची, सीजर, स्कैल्पल कुछ भी हमारे बॉडी में यूज हो रहा है तो पहले उसको स्टरलाइज किया जाएगा, फिर अपनी बॉडी में यूज किया जाएगा। डिसइंफेक्टेंट वो प्रोडक्ट है जब कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, फ्लोर टाइल्स में कहीं गंदगी है उनको रिमूव करने के लिए सब्सटेंस को यूज किया जाएगा। एंटीसेप्टिक वो मेडिसिन है, वो प्रोडक्ट है जहां बॉडी में एक्सटर्नल पार्ट में कहीं पर इंफेक्शन, बैक्टीरिया, वुंड को रिमूव करने के लिए जब क्रीम या कोई जेल या कोई, जैसे आप बेटाडीन का नाम सुनते हो, कोविड और बेटाडीन क्रीम बाहर लगाते हैं टॉपिकल, अपन खेलते हैं, खेलने कूदने में कहीं खरोच आ जाती है, तीन चार आयोडीन अपन सोल्यूशन लगाते हैं, वो सब एंटीसेप्टिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अंतर समझ आ रहा है तीनों में? बताओ एक बार अंतर मेरे को, निविका बताओ। अरे ब्लैक किसी को देख के बताओ ना, तीनों में एक एक लाइन में आंसर अभी बताओ जो मैं बताया। स्टरलाइजेशन होता है वो दो, उसका नाम दो पार्ट्स होता है, जो वेजिटेटिव और उसको बैक्टीरिया को, और वो जो बैक्टीरिया है उसको वो करता है, रिमूव करता है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट वो है, अभी एक्सप्लेन किया उन्होंने, आप बताओ दीजिए। सर डिसइंफेक्शन में जैसे कोई फ्लोर अगर गंदा जाने तो उसमें डेटॉल, फिनोल वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, और एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक जैसे बॉडी में कुछ इन्फेक्शन, फंगल या बैक्टीरिया हो जाते हैं। टॉपिकल पार्ट, टॉपिकल का मतलब क्या होता है? ऊपर, जो ऊपर बॉडी के ऊपर पार्ट में बैठ जाओ। ठीक है, बैठो। उसके बाद ये डेफिनेशन है, बैक्टेरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल का मतलब होता है किलिंग एक्शन और स्टैटिक का मतलब होता है प्रिवेंशन। जो बैक्टीरिया को किल करता है वो बैक्टीरिसाइडल है, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो उनके ग्रोथ को रोकता है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये कॉमन टर्म है। नाउ स्टरलाइजेशन मेथड्स, स्टरलाइजेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, गैसियस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन प्रिवेंशन के लिए और बहुत सारे टेक्निक्स, उनमें मेजरली अपन फिजिकल और केमिकल पार्ट में स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स को अपन डिवाइड करते हैं। ये यहाँ पर देखो वेरियस एजेंट्स इन स्टरलाइजेशन को कैटेगराइज किया गया है, फिजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट। फिजिकल के अंदर आने वाले जो एग्जांपल से पहला है सनलाइट। सनलाइट कैसे बैक्टीरिया को किल करता है? कौन सी रेज होती है? यूवी रेज। गुड, सनलाइट में यूवी रेज होती है और उसमें बहुत ज्यादा हीट होती है, जिसके कारण अगर अपन ओपन स्पेस में कोई भी अपना प्रोडक्ट रख देंगे तो बहुत हद तक उनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है या उनकी डेथ हो जाती है। तो सनलाइट फिजिकल एजेंट का एक सबसे अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को स्टरलाइज करने का। दूसरा है ड्राइंग, अगर कोई प्रोडक्ट गीला है जिसमें नमी है उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को अगर सुखा देंगे आइदर सनलाइट में या किसी एयर के अंदर, कहीं पर भी अगर उसे ड्राई कर देंगे तो मॉइस्चर नहीं होने की वजह से उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा। देन है ड्राई हीट, सुखाने के साथ साथ उसमें हीट भी अपन प्रोवाइड करेंगे, तो अपने ऊपर लैब में इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है हॉट एयर वन, जिसमें गर्म हवा आती है, हवा भी आ रही है और गर्म भी हो रहा है, तो ड्राई हीट की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता। इंसिनरेशन मैं बताया था लास्ट टाइम, याद है इंसिनरेशन? जैसे किसी मेडिकल शॉप में अगर जो ड्रग्स एक्सपायर हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, एक एग्जांपल दे दी, मिट्टी के अंदर नहीं जला देते हैं। गुड, इंसिनरेशन मतलब आप उसे बर्न कर दोगे ताकि उसका इंफेक्शन कहीं नहीं बैठेगा। अगर कोई बैक्टीरियल, कोई बॉडी इंफेक्टेड है जिसमें बैक्टीरिया का जर्म्स ज्यादा लग रहा है, उनकी भी बॉडी को इंसिनरेट किया जाता है। और फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का मतलब बर्नर के ऊपर अगर कहीं आग है तो उसके ऊपर अपन अपना प्रोडक्ट रख देते हैं। मॉइस्ट हीट के अंदर एग्जांपल्स है बॉइलिंग, जो कॉमन अपन जानते हैं किसी भी चीज को उबालना। पास्चराइजेशन, ये भी मैं बताया था, ये टर्म क्या होता है? पास्चराइजेशन मिल्क के साथ करते हैं, याद है क्या करते हैं? नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। धर्म, तुमको कुछ याद आ रहा है लास्ट टाइम जो पढ़े थे पास्चराइजेशन वगैरह?
ब्लैंक नहीं रहना है। पास्टराइजेशन मिल्क को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उबाला जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पे, उसको पास्टराइजेशन बोलते हैं। टिंडिलेशन एक टेक्निक है, टिंडिलेशन इसमें भी प्रोडक्ट को 100 डिग्री सेल्सियस पे वार्म किया जाता है लाइट के थ्रू, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, और ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट प्रोवाइड की जाती है जिसके कारण बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जाता है। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन कॉमन टर्म है ना, फिल्टर करना है या छानना। तो अगर ऐसी छननी आती है जिसमें बैक्टीरिया रुक जाता है और आपका प्रोडक्ट पास हो जाता है, वो भी एक टेक्निक है जिससे अपन बैक्टीरियल ग्रोथ रोकते हैं। रेडिएशन के थ्रू आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में अगर आपने कोई लिक्विड रख दोगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया वहां भी किल हो जाते हैं। ये सारी टेक्निक्स है फिजिकल एजेंट्स की। केमिकल्स अगर आप अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दोगे तो उससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। अल्कोहल्स के केस में इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। आपको जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो सबसे पहले उस जगह को वॉश किया जाता है। किससे वॉश किया जाता है? स्पिरिट से। और स्पिरिट क्या किसको बोलते हैं? उस इथेनॉल को ही स्पिरिट बोलते हैं। और क्यों साफ किया जाता है? इंजेक्शन से। अगर इंजेक्शन के थ्रू वो डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में चले गया तो और इन्फेक्शन होने के चांसेस हो गए, इसलिए उस जगह को साफ किया जाता है। तो एल्कोहल आइसोप्रोपाइल उसी कैटेगरी में आते हैं। एल्डिहाइड्स में फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटामेटिहाइड। आप लोगों ने स्पेसिमेन देखे 12th में, फ्रॉग या मेंढक को आपके बॉटल में रख के दिखाया गया, ऐसे देखे हैं 12th में? किस सोल्यूशन में रखते हैं उसको? हां ग्लिसरीन में नहीं रखते। किसी को पता है किसमें रखते हैं उस सॉल्यूशन को? स्पेसिमेन दिखाया होगा डायगोट स्टेम, बायगोट स्टेम के फ्रॉग या फिर स्लाइड ऐसे आपको दिखाते हैं तो डिप करके सॉल्यूशन में रखे रहते हैं। हां गुड, फॉर्मेलिन में। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद, ऐसी एक्टिव रहने क्लास में वो फॉर्मेलिन ही होता है। और मोस्टली 40% फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन को अपन फॉर्मेलिन बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड ही होता है जो आपके ड्रग में बैक्टीरियल ग्रोथ होने से बचाता है। सपोज अगर वो फ्रॉग या स्पेसिमेन को बिना सॉल्यूशन में डिप किए ऐसी बॉटल में भर के रख देते तो क्या होता? सड़ जाता, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती। इसलिए इस फॉर्मेलिन में रखा जाता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। डाइज, बहुत सारे डाइज यूज होते हैं। डाइज का मतलब कलरिंग एजेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। हैलोजेंस की कैटेगरी आती है, फिनोलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी, गैसेस, बहुत सारी है। गैसियस स्टरलाइजेशन भी एक टेक्निक है। इन गैसेस को फ्लो करके आपके रूम को, जिस रूम को साफ करना है या बैक्टीरिया फ्री करना है, ये गैसेस वहां फ्लो की जाती है। इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड की गैस भी होती है, बीटा प्रोपियोन, इलेक्ट्रॉन, ये सारे कंपाउंड्स हैं, गैसियस कंपाउंड, एंड मैग्नेटिक सॉल्ट्स एंड सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ये कंपाउंड्स हैं जो आपके ड्रग को या कहीं भी बैक्टीरियल ग्रोथ होने से बचाते हैं। Now physical agents. Physical agents में सबसे पहले अपन ने sunlight के बारे में देखा था। Bactericidal activity, spontaneous sterilization under natural condition. ये मैं एक term bactericidal आपको पहले भी बताया था। Cidal का मतलब क्या होता है? Suicide का मतलब क्या होता है? Suicide क्या होता है? आत्महत्या। सुसाइड के पीछे ये सीआईडी टर्म जुड़ा रहता है ना। सुसाइड की स्पेलिंग क्या है? SUICIDE। ये स्पेलिंग है सुसाइड की? नहीं पता था आप लोग को इससे पहले ये स्पेलिंग। सिर्फ टर्म सुनोगे सुसाइड क्या होता है, आप लोग सुसाइड यानी SOCIDTY समझते होगे। सुसाइड इसका मतलब समाज होता है, सोसाइटी होता है। ये सोसाइटी है SOCIDTY, और ये है सुसाइड SUICIDE। इसको बोलते हैं आत्महत्या। इस सुसाइड के पीछे कौन से चार लेटर है? CIDE, सुसाइड। इस साइड से ही ये बना है बैक्टीरिसाइडल, यानी बैक्टीरिया को किल करना, मारना। ये टर्म आप दोबारा भूलना मत, मैं पूछूंगा अभी क्लास में। बैक्टीरिसाइडल का मतलब मारना होता है। बैक्टीरिया को मारने की जो एक्टिविटी है वो सनलाइट में प्रेजेंट होती है। स्पॉन्टेनियस स्टरलाइजेशन अंडर नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया को किल करता है। एक्शन बाय अल्ट्रावायलेट रेज एंड हीट रेज, इसमें गर्म हवा, गर्म रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। स्टरलाइजिंग पावर वेरीज, इनकी स्टरलाइजिंग जो पावर है अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। कोई प्रोडक्ट बहुत आसानी से स्टरलाइज हो जाएगा, किसी प्रोडक्ट में समय लगेगा।
सेकंड जो टेक्निक है ड्राई ड्राई सुखाने की टेक्निक। मॉइस्चर इज एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, जहां पर नमी होगी वहां बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। 80% ऑफ बॉडी वेट ऑफ द बैक्टीरिया इज वाटर, बैक्टीरिया का बॉडी वेट 80% उसमें वाटर ही होता है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई कर दोगे सुखा दोगे तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड स्पोर्स आर अनअफेक्टेड। जो बैक्टीरिया की दो स्टेज थी वेजिटेटिव एंड स्पोरिंग स्टेज, वो स्पोरिंग स्टेज और वायरस इस ड्राइंग टेक्निक से नहीं मरते। वेजिटेटिव जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, ये वेजिटेटिव मर जाएंगे बट स्पोरेटिव बैक्टीरिया नहीं मरेंगे और वायरस भी नहीं मरेंगे सुखाने से। उनके लिए दूसरी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। अनरिलायबल मेथड, इस मेथड पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि आपके बैक्टीरिया मरेंगे या नहीं मरेंगे। ड्राइंग का मतलब क्या होगा? सुखाना, या तो एयर में सुखाओ या कहीं भी गर्म हवा में सुखाओ, दैट इज ड्राइंग। थर्ड जो टेक्निक है वो है हीट। मोस्ट रिलायबल मेथड एंड मेथड ऑफ चॉइस अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इससे बहुत हद तक बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, रिलायबल मेथड है। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टरलाइजेशन बाय हीट, अब हीट कहां से, अपन अपनी लैब में कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो हीट प्रोवाइड करता है स्टरलाइजेशन के लिए, अभी बताया था मैंने। हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन का मतलब क्या होता है? गर्म हवा जिसमें चलती है, तो उसमें ड्राइंग और हीटिंग दोनों चीज होगी। नेचर ऑफ हीट, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, किस टाइप का आप हीट यूज कर रहे हैं, ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, ये डिपेंड करेगा आपके स्टरलाइजेशन टेक्निक पे। टेम्परेचर एंड टाइम, कितने समय तक कितने टेम्परेचर में आप गर्म कर रहे हैं और गर्म हवा भेज रहे हैं, ये डिपेंड करेगा स्टरलाइजेशन को। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, अगर एक प्लेट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और एक प्लेट में बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जिनमें कम माइक्रो ऑर्गेनिजम है वो पहले स्टरलाइज होगा, जिनमें ज्यादा है वो थोड़े रुक के स्टरलाइज होंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किस टाइप का बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, क्या है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी हीट पे डिपेंड करेगा। एंड द टाइप ऑफ मटेरियल टू बी स्टरलाइज्ड, किस मटेरियल को, लिक्विड सॉलिड सेमी सॉलिड, क्या मटेरियल जिसको आप स्टरलाइज कर रहे हो, ये कारक है या ये फैक्टर है जो आपके स्टरलाइजेशन टेक्निक को अफेक्ट करते हैं, इन सब चीज को ध्यान रखते। मैं आप लोगों को ग्रेन्यूल्स बनवाया था क्लास में, तो ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए आपको ये मेंशन किया था कि 55 डिग्री सेल्सियस में एक घंटे तक रखना है। ये मैं क्यों बोला था, ताकि उसका मॉइस्चर उतने समय तक उड़ जाए और वो ड्राई हो जाए। तो वो पीछे की चीज जो मैं बोला था 55 डिग्री सेल्सियस और 1 आवर, ये टेम्परेचर और ये टाइम जरूरी है, क्योंकि इसी के इस पे ही डिपेंड करता है कि आपका बैक्टीरिया मरेगा या नहीं मरेगा, तो इस चीज को डिफाइन करना जरूरी है। नाउ हीट के अंदर अब आता है ड्राई हीट। ड्राई हीट से कैसे अपन बैक्टीरिया को किल करेंगे, फर्स्ट जो टेक्निक है वो है फ्लेमिंग। किसी फ्लेम के ऊपर अगर आप अपने प्रोडक्ट को रख दोगे तो वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ या वो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। अ सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड, लूप्स ऑफ वायर्स, ग्लास स्लाइड्स एंड कवर स्लिप, इन सब को, ग्लास स्लाइड अपने को पता है माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्लाइड देखते हैं, कवर स्लिप उसमें अगर बैक्टीरिया है और उस स्लाइड को दोबारा आपको यूज करना है तो पहले फ्लेमिंग के थ्रू बैक्टीरिया को किल कर लिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट हेल्ड ऑन अ बंसन फ्लेम टिल रेड हॉट, अगर कोई मैटलिक कंपाउंड है तो लाल होते तक अगर उसे फ्लेम के ऊपर आप रखोगे तो वहां बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगी। इंसिनरेशन में आपको बताया था, अगर किसी बॉडी में बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा है या ज्यादा इन्फेक्शन है उनको किल करने के लिए आप उसकी बॉडी को बर्न कर दोगे, या इसी टाइप के अगर कोई प्रोडक्ट है जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा है तो उनको बर्न करने से उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो किल हो जाते हैं। दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड फॉर सेफली डिस्ट्रॉइंग द कंटेमिनेटेड मटेरियल्स। अभी कौन सा वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है? कोरोना वायरस की अगर कोई बॉडी से किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को कंप्लीट इंसिनरेट कर दिया जाएगा, उसकी बॉडी को घर वालों को अर्थी संस्कार जो होता है ना वो करने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे वायरस के फैलने के चांसेस है। तो अगर उसकी बॉडी को कंप्लीट आप बर्न कर दोगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप की इंफेक्टेड बॉडियां कहा गया, जो बॉडी इंफेक्टेड है या जिनमें इंफेक्शन ज्यादा है उनको इंसिनरेशन टेक्निक से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेंगे। हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन में क्या होता है जो आपके पास है इंस्ट्रूमेंट, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय द ड्राई हीट। पेनिट्रेटिंग पावर इज लो, सो लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर नीडेड, दैट इज 160 डिग्री सेल्सियस। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या समझते हो आप लोग? किसी गंजी में अगर पानी उबल रहा है
और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके ऊपर भाप निकलती है और उस भाप के ऊपर तभी आपका हाथ गया भी होगा गर्म पानी, तो क्या होता है, जलता है। यहाँ पर आप लोग हाथ अपना पीछे करते हो, वो जलता कैसे है, क्या चीज जाती है, गर्म भाप या हवा जाती है ना, तो वो पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी है उसकी। अगर कोई गर्म हवा आपकी स्किन के अंदर जाएगी तो आपको गर्म फीलिंग होगी। तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है पेनिट्रेटिंग पावर। ऊपर है हॉट एयर ओवन, गर्म हवा के आपके बॉडी में पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी कम होती है, इसलिए इनको लंबे समय तक ड्राई किया। आप लोग लिख क्या रहे हो, स्लाइड को लिख रहे हो क्या, क्यों लिख रहे हो, वीडियो मिल जाएगा, मैं अभी नोट्स आप लोगों को दूंगा, मैं जब समझाता हूँ तो आप सबकी हेड्स में वो नीचे रहते हैं। मेरे समझाने का मतलब क्या है, कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सारे मटेरियल जो चाहिए मैं सब कुछ दे दूंगा आप लोग को, वो लिख के समय वेस्ट मत करो। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ ड्राई हीट। ड्राई हीट का मतलब ऐसी हवा जो गर्म और सूखी है, गीली नहीं है। ड्राई हीट की पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टी यानी स्किन को, बैक्टीरिया के लेयर को क्रॉस करने की प्रॉपर्टी कम होती है, इसलिए लंबे समय तक इसको हीट में रखा जाता है। ज्यादा समय तक हीट में रखेंगे तो आसानी से वो चीज अंदर चले जाएगी। इसका टेम्परेचर है 160 डिग्री सेल्सियस या 320 फ़ारेनहाइट फॉर 1 आवर। एक घंटे तक अगर आप किसी प्रोडक्ट को उस हॉट एयर ओवन के अंदर रख दोगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। अरेंज इंस्ट्रूमेंट्स टू अलाउ प्रॉपर कॉन्टेक्ट। आपके इंस्ट्रूमेंट को उस जगह पे रखना है जिसमें प्रॉपर आपकी हवा, गर्म हवा आए। फैन फिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द एयर इवनली। वहां पर एक अंदर फैन लगा होता है जो पूरी गर्म हवा को आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्लो करता है। ग्रैन्यूल्स बनाए थे तब आप तीनों लोग आए थे ना, आप आए थे अपनी जिसे टैबलेट बनाए थे अपन, तो टैबलेट बनाने से पहले ग्रैन्यूल्स बनाए थे। किसमें रखे थे ग्रैन्यूल्स को, हॉट एयर, अपनी पेट्री डिश को रखे थे ना उसके अंदर, तो उसके बंद और बंद भी किए थे, तो उसमें ही ये फैन लगा होता है और ये फैन गर्म हवा को फ्लो करता है। ठीक है बैठो, ये इसका इंस्ट्रूमेंट है, आपको ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। अब इसका यूज सबसे ज्यादा जरूरी जो आपको इस चीज में ध्यान याद रखने की है वो है यूज। ये यूज आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे, आपकी मेन एग्जाम डिप्लोमा वाली एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। हॉट एयर ओवन में किस किस पदार्थ को स्टरलाइज किया जाता है, पहला है ग्लास वेयर। आप लोग कौन कौन सा ग्लास वेयर यूज करते हो लैब में, ग्लास वेयर का मतलब क्या होता है, बीकर और कॉनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश, कोई भी ग्लास से बना एपरेटस, उनको स्टरलाइज करना है तो आप हॉट एयर ओवन के अंदर रख दोगे। फॉर्सेप्स, फॉर्सेप्स का मतलब लास्ट टाइम बताया था जो चिमटी होती है ना वो फॉर्सेप्स, सीजर्स, कैंची, स्काल्पल्स एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो स्काल्प रिमूव करने के लिए यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स के दूसरे प्रोडक्ट, ऐसे कोई भी मेटलिक कंपाउंड जिसको आपको स्टरलाइज करना है उसको आप हॉट एयर ओवन के अंदर रखोगे, ये यूज इंपॉर्टेंट है। देन डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज क्या है, लॉन्ग स्टरलाइजेशन साइकिल। एक बार इसके यूज को लिख लो आप लोग, एटलीस्ट ये चीज लिखे रहोगे तो आपके दिमाग में रहेगी। यूजेज ऑफ हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन में कौन कौन सी चीज को स्टरलाइज किया जाता है, ग्लासवेयर्स, फॉर्सेप्स, सीजर्स, स्काल्पल्स, फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा। नाउ डिसएडवांटेजेस, लॉन्ग स्टरलाइजेशन साइकिल, इसमें स्टरलाइजेशन का जो पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है। Requires an accurate pyrometer. इसमें आपको temperature की continuously monitoring जरूरी है, कितने समय में temperature बढ़ रहा है ये आपको देखना जरूरी है। Many damage heat sensitive, may damage heat sensitive plastic. अगर आपने कोई plastic उस hot air ओवन में रख दिया है तो उसके damage होने या गलने के chances हो सकते हैं आपके hot air ओवन के अंदर, ये इसके disadvantage है इस equipment के। Now dry heat के बाद है moist heat. मैंने फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स दो टेक्निक बताई थी, पता है स्टरलाइजेशन की बताई थी, तो ये सब जो पढ़ रहे हैं किस टेक्निक के अंदर आते हैं, फिजिकल टेक्निक। फिजिकल का मतलब क्या होता है, हाँ, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको मैन्युअली हाथ से ऑपरेट कर सकते हो, छू सकते हो, दैट इज फिजिकली। केमिकल में वो चीज आती है जिसमें सिर्फ आपको केमिकल मिला है,
यहाँ पर फिजिकल में हवा जा रही है, ड्राई हो रहा है, सनलाइट के नीचे रख रहा है, ये सब फिजिकल का पार्ट है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसी फिजिकल में सेकंड जो है वो हो रहा है वो मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में डिफरेंस क्या होगा? ड्राई और हीट क्या होते हैं? सूखा, और हीट यानी गर्म, और मॉइस्ट और हीट का मतलब मॉइस्ट यानी नमी और हॉट यानी हीट यानी गर्म। अभी तक की जो टेक्निक थी वो सूखे गर्म की टेक्निक थी, अब है मॉइस्ट हीट। गीले गर्म को कैसे आप लोग डिफाइन करोगे, कैसे गीला भी होगा और कैसे गर्म भी होगा, बताओ। अभी तक मैं ये बात कर रहा था कि जहां पर नमी होगी वहां बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, तो इस टेक्निक में नमी से बैक्टीरिया को कैसे किल किया जाएगा? नमी और गर्म कैसे बैक्टीरिया किल होंगे? उबाल के बोल सकते हो। उसके अलावा गर्म भाप अगर किसी में प्रोवाइड करोगे, गर्म भाप से भी बैक्टीरिया की, तो वो ऑटोक्लेव की एक टेक्निक होती है, वो अपन डिस्कस करेंगे। ये देखो टेक्निक से यहां पर लिखी हुई है, स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट। कैसे गीले हीट से, मॉइस्ट हीट से आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकोगे? अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी पदार्थ को बैक्टीरिया फ्री करना है तो पास्चराइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं। पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टेक्निक निकाली थी, इसलिए पास्चराइजेशन बोलते हैं। मोस्टली दूध को, गर्म को किल बैक्टीरिया से रोकने के लिए पास्चराइजेशन की टेक्निक यूज की जाती है। अगर आप डेली बिना गर्म किया हुआ दूध पियोगे तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट गाय के थन से निकले हुए दूध को, या डायरेक्ट जैसे बहुत सारे वीडियो देखे हुए लोग थन से दूध पीते हैं, अगर कंटिन्यू ऐसा पीना शुरू कर दिया जाए तो उनके बॉडी के बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जाएंगे और आप इन्फेक्टेड हो जाओगे। मिल्क में बैक्टीरिया होते हैं। जो मिल्क का, गाय का मिल्क निकलता है वो कौन सी सेल है उसके बॉडी की? श्वेत रक्त कणिकाएं, पढ़े आप लोग 12th WBC। क्या होती है वो? श्वेत रक्त कणिकाएं को क्या बोलते हैं? बॉडी के लिए क्या वर्क करती है वो? रोग प्रतिरोधक। गुड, रोग प्रतिरोधक क्षमता। कंटिन्यू नहीं भी आ रहा है वो, पर उसको सारी चीजें क्लियर है इसके 12th की। देखो वो ये सब कॉमन चीज है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऐसी सेल्स जिनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बॉडी का पहला रक्षात्मक कवच कहा जाता है, ये अपनी बॉडी में भी प्रेजेंट है, गाय की भी बॉडी में प्रेजेंट है। तो जो सफेद मिल्क निकलता है वो उसकी बॉडी का WBCS है, श्वेत रक्त कणिकाएं है, जिसमें उसके बॉडी में रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उसके बॉडी में होती है, जिसको अपन एज अ मिल्क लेते हैं। तो वही मिल्क में अगर आप उसे बॉइल नहीं करोगे तो उस जो सेल्स हैं उन सेल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये बैक्टीरिया अपने बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसलिए पास्चराइजेशन टेक्निक का मतलब 72 डिग्री सेल्सियस पे अगर 15 मिनट तक आप उस दूध को बॉइल करेंगे तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और फिर गर्म दूध को अपन यूज करते हैं। दूसरी जो टेक्निक है मॉइस्ट हीट में 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग भी होती है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, क्वथनांक जिसको बोलते हैं हिंदी में, उस 100 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरिया किल होते हैं। और दूसरी टेक्निक है टिंडालेशन, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए मीडिया यूज किया जाता है, उस मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए टिंडालेशन की टेक्निक यूज किया। बैक्टीरियल मीडिया समझते हैं आप लोग क्या होता है? बैक्टीरियल मीडिया का मतलब होता है जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। सपोज चाइना में अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, उस कोरोना वायरस को किल करने के लिए क्या करेंगे वो लोग? सबसे पहले अगर उसके लिए उनको वैक्सीन या मेडिसिन बनानी है तो किस पाथवे से जाना पड़ेगा? अगर ये कोरोना वायरस है इसको अगर मेरे को तोड़ना है तो इस क्या करूंगा मैं? कुछ ऐसा दिमाग आप लोग का चलता है बताओ। टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में पहले देखेंगे कि ये बैक्टीरिया मर रहा है या नहीं मर रहा है। सपोज अगर मेरी बॉडी में कोरोना वायरस है, मेरी बॉडी से पहले वो वायरस का थोड़ा सी पार्ट निकालना पड़ेगा। उस थोड़े सी पार्ट को निकाल के मैं इस पेट्री डिश में ग्रो करूंगा ताकि वो 1 से 100 हो जाए, तब मेरे को समझ आएगा कि 100 में से कितने मर रहे हैं। सपोज अगर मेरे पास ये एक कोरोना वायरस है, इस एक कोरोना वायरस के लिए मैं मेडिसिन बनाया हूं, तो इसमें अगर मैं चेक करूंगा तो ये बहुत कम है, मेरे को समझ ही नहीं आएगा मरा है कि नहीं। अगर मेरे पास संख्या ज्यादा होगी तो मेरे पास रिजल्ट अच्छा आएगा। इस संख्या को 1 से 100 करने के लिए मैं एक कल्चर करता हूं, यानी एक प्लेट में रखता हूं जिसमें खाने का पदार्थ होता है। अगर किसी को ग्रो कराना है तो उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ना। इस प्लेट के अंदर न्यूट्रिशन होता है जहां पर कोरोना वायरस आसानी से ग्रो करने लगते हैं।
जैसे बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करेगा तो अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन खाता है तभी वो ग्रो कर पाता है, तो ऐसे ही बॉडी के बाहर उसको एक न्यूट्रिशन वाली प्लेट रख दी जाती है और बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है वो आसानी से ग्रो करने लगते हैं। इस कल्चर प्लेट को स्टरलाइज करने के लिए जो टेक्निक होती है वो टिंटाइलेशन की टेक्निक कहलाती है। जहां पर बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं पहले उसको स्टरलाइज कल्चर मीडिया दिया जाता है तभी यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो हो पाते हैं, ठीक है। इसको स्टरलाइज करने के लिए भी टिंटाइलेशन की टेक्निक यूज की जाती है। अब ये जो टेक्निक है टिंटाइलेशन ना, अभी आपको बताऊंगा, मॉइस्ट जब 100 से ऊपर अगर अपने को टेम्परेचर की जरूरत होती तब अपन ऑटोक्लेव यूज करते हैं। ऑटोक्लेव वो टेक्निक है, ऑटोक्लेव को हिंदी में समझ लो अपने समझने के लिए प्रेशर कुकर अपन बोल सकते हैं। कुकर के अंदर जब अपन चावल या दाल को रखते हैं और गर्म बर्नर ऑन करते हैं तो 15-20 मिनट बाद सीटी निकलती है। सीटी किस चीज से निकलती है, क्यों निकल, बस की सीटी प्रेशर की वजह से भाप बनता है और भाप का मतलब होता है मॉइस्ट हीट, यानी मॉइस्ट हीट के कारण अंदर जो भाप बन रहा है उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। जो मैं आपको बार बार वेजिटेटिव और स्पोरेटिव स्टेज बता रहा हूँ बैक्टीरिया की, वो ये स्टेज है, समझो आप इसको। ये है वेजिटेटिव सेल बैक्टीरिया की, वो है स्पोरेटिक सेल। दोनों में से किसको मारना कठिन है, किसको? तो क्या लिखा हुआ पढ़ो, एबल टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ये आसानी से ग्रो हो सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी बॉडी में, मे बी किल्ड बाय हाई टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर में इनको रखा जाएगा तो आसानी से ये मर जाएंगे, मे सर्वाइव बाय फ्रीजिंग, अगर इनको कोल्ड कंडीशन में रख दिया जाएगा तो ये फ्रीजिंग में जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं, अगर इनको गर्म करेंगे तभी ये किल होंगे, ठीक है। अब स्पोरेटिक में क्या लिखा हुआ है, स्पोर्स में अ थिक वॉल्ड फॉर्मेशन विद इन द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया की सेल के अंदर एक थिक वॉल बनाने के लिए जिंदा रहते हैं, मरते नहीं है, डज नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे यानी कि संख्या में इंक्रीज नहीं करेंगे, रेजिस्टेंट, किससे अब ये उसमें रोकने की क्षमता होगी, हीट से नहीं मरते, कोल्ड से नहीं मरते, केमिकल से भी नहीं मरते, ये इनके रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैन बिकम अ वेजिटेटिव सेल व्हेन कंडीशंस बिकम फेवरेबल, अगर उनके लिए अनुकूल वातावरण हो तो ये स्पोरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ये एग्जांपल दिया हुआ है, इस टाइप के स्पोर्स होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन में, लिखो मत हर चीज को, जो फेवरेबल कंडीशन में स्पोरेटिक सेल से वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये दो टाइप के बैक्टीरियल सेल्स हैं, इनको डिफाइन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो टेक्निक अपन यूज करेंगे स्टरलाइजेशन की, ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, टिंटाइलेशन, पास्टराइजेशन, उससे पहले आपको जानना होगा कि आपका बैक्टीरिया किस टाइप का है, वेजिटेटिव का है कि स्पोरेटिक का है, तब आप अच्छे से टेक्निक यूज कर सकते हो कोई भी। फर्स्ट जो टेक्निक है पास्टराइजेशन की, The material is heated. Heat करने के लिए holder method और flash process दो technique use होती है pasteurization की। अगर आप अपने दूध को 63 degree Celsius पे 30 मिनट तक boil करोगे तो bacteria kill हो जाएंगे। दूसरी technique में अगर आप अपने milk को 72 degree Celsius पे 15 से 20 second तक आप boil करोगे तो bacteria kill हो जाएंगे। Followed by sudden cooling, गर्म करने के तुरंत बाद उसको ठंडा किया जाता है 13 degree Celsius या उससे lower। All non-scoring pathogen, अगर मैं non-scoring बोलूंगा तो कौन से वाले bacteria आएंगे? Non-scoring का मतलब ये आया कि ये आया? हाँ? ये अगर scoring है तो vegetative हुए तो non-scoring बोलेंगे ना? ये non-scoring है। क्या लिखा हुआ है? All non-scoring pathogens such as mycobacteria, Brucellia and Salmonella are destroyed. सारे vegetative जो non-scoring bacteria वो इस technique से kill हो जाएंगे। आपके दूध में अगर ये सब बैक्टीरिया प्रेजेंट है माइकोबैक्टीरिया ब्रुसेली तो गर्म करने पर ये सब सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे पास्टराइजेशन टेक्निक के थ्रू। ये पास्टराइजेशन की टेक्निक को समझो अभी क्या कर रहे हैं। टेम्परेचर हाई इनफ टू डिस्ट्रॉय एनी जर्म्स दैट कुड मेक यू सिक, आपके दूध में अगर कोई भी बैक्टीरिया वो आपको सिक कर सकते हैं। सो पास्टराइज्ड मिल्क स्टे ड्रिंकेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम, एक बार आप गर्म कर लेंगे तो लंबे समय तक पी सकते हैं। ये लुईस पाश्चर है जिन्होंने ये टेक्निक निकाली थी।
During 1960s में beer and wine kept in the spoiling, they were heated to about 57 degrees Celsius for a minute. The same process could be applied. उन्होंने beer और wine से वो निकाला था, उसमें दूध, milk, कोई भी orange juice इसको गर्म करोगे तो वहाँ पर वो bacteria की death हो जाएगी. Milk a healthy cause, the milk is usually safe to drink. But dairy farms at the start of 20th century dirty filled with the sick. जहाँ पर dairy farm में कुछ bacteria घूम रहे हैं और उनका milk आप लोगे तो कुछ sick पड़ जाओगे. ये जो गाय पी रही है चारा, उसमें बैक्टीरिया जो उसके बॉडी के अंदर जाएगा और डायरेक्ट आप मिल्क लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगा. इसलिए दूध को गर्म करके पीना या किसी भी टेक्निक को गर्म करना जरूरी होता है. समझ आई ये टेक्निक गर्म करना जरूरी क्यों है? नाउ बॉइलिंग कॉमन, जो आप उबालते हो किसी भी प्रोडक्ट को उसी को यहाँ दिखाया गया है. इट इज अ हाईली अनरिलायबल स्टरलाइजेशन टेक्निक, नॉट रिकमेंडेड फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. अगर कोई सर्जरी का सामान जिसमें आपकी बॉडी में टांके लगाना है, स्टिच लगाना है, उसके लिए मेथड रिलायबल नहीं है. उसमें बॉइलिंग की टेक्निक यूज नहीं की जाती. वेजिटेटिव बैक्टीरिया किल्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट स्पोरिंग बैक्टीरिया रिक्वायर्ड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ बॉइलिंग. इसका मतलब क्या, ये लाइन आप लोग मेरे को समझाओ, बताओ ये लाइन. गोविंद धर्म आप बताओ ये लाइन समझाओ. बैक्टीरिया को गर्म करके किल किया जाए. हाँ, तो यहाँ पर उसके अलावा दो चीज और बोल रहे हैं. ये पहली वर्ड क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव बैक्टीरिया को क्या बोल रहे हो? वेजिटेटिव बैक्टीरिया किल्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली एट 9200 डिग्री सेल्सियस. इस लाइन का मतलब बताओ. बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए 90 से 100 सेंटीग्रेड में गर्म करके उसे किल कर. कौन से बैक्टीरिया को? वेजिटेटिव. वेजिटेटिव बैक्टीरिया को. दूसरी लाइन क्या बोल रही है, पढ़ो उसको दूसरी लाइन को. बट पढ़ो स्पोरिंग. हाँ बैक्टीरिया. हाँ क्या है? प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ बॉइलिंग. इसका मतलब क्या होगा, अनुवाद करो हिंदी में. बट अभी मत बोलो. बट स्पोरिंग बैक्टीरिया का मतलब क्या होगा? स्पोरिंग बैक्टीरिया कौन सा है? ये वाला है. और पहली लाइन किसके लिए थी? वेजिटेटिव के लिए. क्या बोल रहा है स्पोरिंग बैक्टीरिया को? बट स्पोरिंग बैक्टीरिया रिक्वायर प्रोलॉन्ग. प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक. पीरियड ऑफ बॉइलिंग लंबे समय भी हो सकती है. नहीं कह बट स्पोरिंग बैक्टीरिया. बट का मतलब क्या होता है? और किंतु होता है. इंडिया में किंतु, किंतु अपन कब लगाते हैं? जैसे कोई गलत बात बोलता है. बट स्पोरिंग बैक्टीरिया रिक्वायर प्रोलॉन्ग पीरियड. इसका मतलब क्या होगा? किंतु स्पोरिंग बैक्टीरिया को लंबे समय तक बॉइल करना जरूरी होता है. तो ये पूरा सेंटेंस आपको क्या बता रहा है? अब मैं आपको बता रहा हूं, समझना जो पहले बार आप ये बोले हो कि वेजिटेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए 90 से 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है, लेकिन आपके स्पोरिंग बैक्टीरिया को मारने के लिए लंबे समय तक बॉइलिंग की जरूरत होगी. इससे क्या समझ रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं उससे? विनोद आप बताओ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. सर वो जो स्पोरिंग बैक्टीरिया वो लंबे समय तक उसको बॉइलिंग करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. और वेजिटेटिव बैक्टीरिया को वो 90 से 100 डिग्री सेल्सियस में मर जाएगा. तो इसके कहने का मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जब आप बॉइलिंग की टेक्निक यूज करोगे तो आपके ये बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, लेकिन इनको किल करने के लिए बहुत लंबा उबालना पड़ेगा. इसलिए इस टेक्निक पे भरोसा नहीं कर सकते. जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ अनरिलायबल, भरोसा नहीं किए नहीं कर सकते इस टेक्निक. समझ रहे हो? बैठ जाओ. A minimum exposure period of 30 minutes is recommended to kill the vegetative bacteria. Vegetative bacteria को 90 से 100 डिग्री सेल्सियस में 10 मिनट तक उबाल दोगे तो बैक्टीरिया वेजिटेटिव किल हो जाएंगे. सोडियम बाइकार्बोनेट 2% concentration is added to increase the efficiency of the process. जहां पर बैक्टीरिया को किल किया जा रहा है अगर उसमें 2% सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आप लोग 10th और 12th में पढ़े होंगे, क्या होता है इसका मतलब बताओ? दसवीं बार में अच्छे से पढ़े हो आप लोग? मन लगा बिना मन लगा पढ़े हो अच्छे से?
बहुत बार पढ़े होगे स्टैंड में बाय में टू लगते हां बाय में टू लगता इसमें जिसमें बाय मतलब बाय लगते बाय एन ए टू ठीक है पर उसका मतलब क्या होगा सोडियम का फॉर्मूला क्या है क्या किस से डिनोट करते हैं सोडियम एन ए हां एन ए गुड CO3 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 गुड पास पहुंच गया बट वहां नहीं पहुंच गया CO2 ये है आपका सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होगा Na2CO3 हां NaHCO3 गुड NaCO3 धर्म सही बोल रहे हो बैठो सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब Na2CO3 नहीं होगा ठीक है सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलेंगे अपन नेट पे सर्च करना खुद जाके कर अब मेरे को ये बताओ खाने का सोडा और धोने का सोडा नाम सुने हो yes. इसमें से कौन सा खाने का सोडा है सर सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा ये धोने का सोडा है yes. और ये खाने का सोडा है yes, खाने के सोडे को जब आप गर्म पानी में दो चुटकी डालोगे 2% कंसंट्रेशन में तो आपके बैक्टीरिया को मारने की जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी बैठो ये चीज ध्यान रखना इसी को ही अपन बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बोलते हैं केक में डालते हैं घर में वो बनाते हैं ना ढोकला बनाते हैं ढोकले में डालते हैं ये सब बेकिंग सोडा जाता है उसमें इस बेकिंग सोडा में बैक्टीरिया किल करने की प्रॉपर्टी होने के साथ साथ आपके दूसरे स्पंज में बैक्टीरिया ग्रो करा आपका जो ढोकला वगैरह है रात भर भिगो के रखा जाता है घोल घोल के रखा जाता है सॉफ्ट बने स्पंज कैसे बनता है उसमें एयर का कंटेंट होता है एयर मैडम आपको पता है कि वो अपन रात को भिगो के रखते हैं मोस्टली ये फर्मेंटेशन की टेक्निक होती है ठीक है जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए रखा जाता है ताकि सुबह जब आप बनाओ तो आसानी से वो चीज ग्रो दही को रात भर अपन उसमें रख के लैक्टोबैसिलस की ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं उसका सबका यही मैकेनिज्म है ताकि बैक्टीरिया का ग्रो हो सके उसमें और ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है हार्मफुल नहीं है इसलिए इन सबको यहाँ पर यूज किया जा रहा है नाउ टिंडरेशन टेक्निक इट इज यूज्ड फॉर इंटरमीडिएट एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज को स्टरलाइज करने की यूज करने वाली टेक्निक को टिंडरेशन अपन बोलते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका That one exposure kills vegetative organism between heating the spores being is a favorable nutrient medium become vegetative forms which get killed during the subsequent heating. अबे इतने तीन चार लाइन का मैं मीनिंग आपको समझा रहा हूँ जो tinderization की टेक्निक है वो ये बोल रही है इस टेक्निक से आपके वेजिटेटिव बैक्टीरिया किल हो जाएंगे लेकिन आपके स्पोरैटिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस वेजिटेटिव टेक्निक में पहले इसको एक बार गर्म किया जाएगा फर्स्ट स्टेप तब ये स्पोरैटिक बैक्टीरिया वेजिटेटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो इसको मारना आसान है यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है द वन एक्सपोजर किल्स वेजिटेटिव ऑर्गेनिज्म Between heating the spores being in a favorable का मतलब अनुकूल होता है favorable nutrient यानी जो मीडिया है favorable nutrient medium become vegetative form ये आपका sporadic bacteria vegetative bacteria में convert हो जाएगा favorable nutrient के presence में और अगर ये इसमें convert हो गया तो इसको मारना आसान होगा तो ये tinderization की technique है used for gelatin media मीडिया में क्या बताया था क्या होता है मीडिया यानी ये यहां पर एग्जांपल देके बताया था क्या था ये मीडिया एक स्कोर से ज्यादा स्कोर करने वाले मीडिया को क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया इसी को कहा जाता है जिसमें न्यूट्रिशन रखा जाता है बैक्टीरिया ग्रो कराने के प्लेट का एग्जांपल दिया हुआ है यहां पर न्यूट्रिएंट मीडिया लगा हुआ है इसको स्टरलाइज करके बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है टिंडरेशन की टेक्निक जा रही दिमाग में न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में बनाना पड़ेगा आप लोगों को न्यूट्रिएंट मीडिया होगा मीडिया कंटेनिंग शुगर मीडिया समझ लो मीडिया क्या होता है नहीं जा रहा दिमाग में खाने में आप लोग जब खाना खाते हो तो सैलड खाते हो सलाद खाते हो सलाद को या तो थाली में रखते हो या किसी प्लेट में रहता होगा सलाद है ना
तो वो आपका न्यूट्रिएंट मीडिया है जो न्यूट्रिशन दे रहा है आपकी बॉडी को। तो उस प्लेट से समझना ऐसा मीडिया या ऐसा कोई प्लेट जहां पर बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस होंगे, तो उनको न्यूट्रिशन देने वाले मीडिया को न्यूट्रिएंट मीडिया कहा जाता है, जहां बैक्टीरिया ग्रो हो सके। सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर, प्रेशर में इससे स्टीम निकलती, इस टेक्निक में, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में, चीप एंड नॉन टॉक्सिक, सस्ता है और टॉक्सिसिटी नहीं होती। पेनिट्रेट्स द फैब्रिक, फैब्रिक यानी जिस भी कपड़े में या जिस भी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। मेथड ऑफ चॉइस फॉर ऑल आइटम्स एक्सेप्ट दोस व्हिच आर मॉइस्चर और हीट सेंसिटिव, सभी टाइप के प्रोडक्ट के लिए ये अच्छी टेक्निक है, लेकिन जिसमें मॉइस्चर या हीट को सहन करने की कैपेसिटी नहीं है उनके लिए टिंडाइजेशन टेक्निक अपन यूज नहीं कर सकते। तो ये मैं तो बताऊं टिंडाइजेशन टेक्निक क्या है, जिसमें जो बैक्टीरिया को ज्यादा बहुत सारे बैक्टीरिया होकर कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाता है, ठीक है, पर इससे आपका आंसर नहीं समझ आ रहा है। सर पहले जो स्पोर्ट्स वाले बैक्टीरिया उसको वेजिटेटिव बैक्टीरिया में लाया जाता है, कन्वर्ट कर देते हैं, गुड, और फिर वेजिटेटिव को इसमें किल कर देते हैं। तो स्पोर को वेजिटेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज अपन वहां पर यूज कर रहे थे अभी मैं जो बता रहा हूं, न्यूट्रिएंट मीडिया, गुड। इस न्यूट्रिएंट मीडिया को स्टरलाइज करने की टेक्निक को टिंडाइजेशन बोलते हैं। क्लियर कर ले माइंड में, धर्म मैं तुमसे ही पूछूंगा, हम भी नीचे करके बैठे ना, क्या होता है टिंडाइजेशन बताओ, जो भी बताइए जो वेजिटेटिव आपको प्रेशर कुकर जैसा दिख रहा है आपको ये इंस्ट्रूमेंट, वहां पर वो प्रेशर लगा हुआ है, कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, अंदर भाप बनती है और यही बैक्टीरिया को किल करती है। A variety of materials such as dressing instruments, laboratory wear media and pharmaceutical produces can be sterilized. इस टेक्निक्स के थ्रू इतनी सारी चीजों को स्टरलाइज किया जाता है। आप जो कपड़े या जो भी अपने को वियरिंग मटेरियल पहन के अगर किसी लैब में एंटर करने मीडिया बनाने उन सबको इस टेक्निक के थ्रू अपन स्टरलाइज करते हैं। इसमें अब ये स्टरलाइजेशन के टाइम्स लिखे हुए ऑटोक्लेव में, अलग अलग समय और अलग अलग टेम्परेचर लिखा हुआ है। 115 डिग्री सेल्सियस के साथ 45 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस के साथ 15 से 20 मिनट, 134 डिग्री सेल्सियस के साथ 3 मिनट। अगर इस कंडीशन में आप अपने किसी प्रोडक्ट को ऑटोक्लेव के अंदर रख दोगे तो उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। या तो आप 134 पे 3 मिनट तक रखो, या 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट, या इस टेम्परेचर पे आपका बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ये तीन उसमें पैरामीटर है। Uses, अब किन किन चीजों को स्टरलाइज किया जाता है ऑटोक्लेव से, कल्चर मीडिया, अभी इसके पहले किस टेक्निक से कल्चर मीडिया को स्टरलाइज कर रहे थे, किस टेक्निक कौन सी थी, टिंडाइजेशन, ठीक है, टिंडाइजेशन। एक्वस सॉल्यूशन, अगर आपका कोई गीला सॉल्यूशन है जिसमें बैक्टीरिया है उसको भी आप ऑटोक्लेव के अंदर रख दो। एम्प्टी बॉटल, इंपरवियस कंटेनर, इंपरवियस कंटेनर यानी जिससे कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकती कोई चीज, इस टाइप के बॉटल से इस टाइप के कंटेनर को भी ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज किया जाता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को और रैप्ड ड्राई गुड्स एंड ड्रेसिंग, रैप्ड का मतलब जो ब्राउन पेपर से अगर कोई रैप है यानी कवर चढ़ा हुआ है उसको भी आप उसमें रख दोगे तो आसानी से वो स्टरलाइज किया जा सकता है ऑटोक्लेव टेक्निक के थ्रू। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, शॉर्ट एफिशिएंट साइकिल एंड मोस्ट रैपिड, बहुत कम समय में स्टरलाइज करता है और बहुत ही रैपिड है। डिसएडवांटेज क्या है, कोरोजन ऑफ कार्बन स्टील इंस्ट्रूमेंट, जो आपके स्टील के इंस्ट्रूमेंट है उनमें कोरोजन जंग लग सकता है। क्यों जंग लग सकता है, मॉइस्ट हीट के कारण, ऑटोक्लेव में मॉइस्ट हीट गर्म हवा आ रही है तो उससे कोरोजन कैसे होगा, जंग कैसे लगेगा, मेटलिक कंपाउंड में जंग क्यों लगता है, खीले में जंग क्यों लगता है, नमी के कारण ना, एयर और वाटर का जब रिएक्शन होता है तब जंग लगता है। तो आपके उस ऑटोक्लेव के अंदर गर्म भाप या गर्म हवाई तो आपको घी है ना, तो इसके कारण उन्हें जंग लगने के चांसेस हो सकते हैं। मेनली पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादा हीट या गर्मी को सहन नहीं कर सकते उनके लिए भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है।